बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं जौ के आटे की रोटी बनाने लगा था, और जौ के आटे की रोटी जब भी आप बनाएं तो उसको आटे को 10-15 मिनट भुनने, यानी गीला करने के बाद 10-15 मिनट दें ताकि वो आटा अच्छी तरह फूल जाए। तो मैंने ये दो दो गिलास, छोटा एक गिलास है, ये गिलास आटा लिया है और इसकी मैं रोटी बना के दिखा रहा हूँ। किसी ने सवाल किया था कि जौ के आटे की रोटी मैं करंजी वाली बनाऊँगा, तो उसमें थोड़ी सी एक चाय का चम्मच जो है, या खाने का चम्मच आधा जो है, वो मैं करंजी डालूँगा इसमें, ताकि करंजी से ही फायदे मिल जाए। और जौ के आटे की तो आपको पता ही है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई है कि खाया करो जौ के आटे की, आपको पसंद भी बहुत थी, तो उस लिहाज से भी, और अगर साइंस से देखें तो भी सेहतमंद है। तो इसको हम पहले इसको हम मिक्स कर देते हैं। इसमें मैंने नमक डाला है और कलौंजी डाली है। कलौंजी जितनी आप कलौंजी खा सकते हैं इतना अच्छा है, तो मैंने कलौंजी इसमें डाली। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगा जना, और इसको मैं मिक्स कर दूँगा अच्छी तरह। तो आप चाहें तो अगर ख्वातीन से घर में बनवाएं तो जो आम आटा होता है, जिस तरह वो रोटी मिलती है उस तरह के आटा बनवाएं, लेकिन अगर मेरे तरह का जिसको रोटी बहुत अच्छी बनानी नहीं आती, अगर ऐसे शख्स ने बनाना है तो आप इस तरकीब को इस्तेमाल कर सकते हैं, ख्वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह पिज़्ज़ा वगैरह, वो उसका क्या बोलते हैं उसको, डोसे का जो है रोटी इसी तरह बनती है, और भी बहुत सारी रोटियां। मैं तो तमाम रोटियां तकरीबन इसी तरह बनाता हूँ। तो ये जनाब आली हमारा आटा तैयार आ गया। इसको थोड़ी सी हम विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा कर, यानी गाढ़ा आटा, पानी थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं ताकि ये आराम से जो है हमारे फ्राई पैन पे पड़ जाए, गल जाए। चम्मच से कर लें, मिक्सर करने वाले उससे, आटे मिक्सर जो उससे कर लें, अंडा मिक्स करते हैं जिससे, या आप किसी सूरत से कर सकते हैं, बस इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए। और इसकी विस्कोसिटी ये भी होने के बाद आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त ये काफ़ी होगा इस तरह का, लेकिन इसकी मैं गांठें ख़त्म करूँ इसको मैं मिक्स करके अच्छी तरह। मैंने बहुत अच्छी तरह करके इसकी जो गांठें हैं, नॉट्स जो बन जाती हैं, वो ख़त्म कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको 10 से 15 मिनट आप रख दीजिएगा। मैं तो क्योंकि आपके लिए बना रहा हूँ, मैंने अपनी रोटी बना ली थी, लेकिन अब आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसको रेस्ट दिए बगैर पका दूँगा। रख दिए बगैर भी पका सकती है, लेकिन अगर आटा जितना भीगेगा उतनी रोटी अच्छी होगी। जना हमारा आटा तैयार हो गया, इस तरह का विस्कोसिटी होनी चाहिए, ना पतला होना चाहिए ना ही गाढ़ा होना चाहिए। अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। मैं चूल्हे को पहले ऑन कर दूँ और आप फ्राई पैन ऊपर रख दूँ, फ्राई पैन ऊपर रख दिए और चूल्हा ऑन कर दिया। अब हम लोग चूल्हे की तरफ चलते हैं। हमारा फ्राई पैन गर्म हो गया होगा, थोड़ा सा उस पर मैंने तेल डाल दिया है, और तेल में आप वेजिटेबल ऑयल या ऑलिव ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर से थोड़ी सी खूबसूरती जो है उसकी रोटी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो बटर जो है वो पकाने में काला हो जाता है। अब उसको आप दमिए और उसको खिलाते जाइए। मैं एक ही रोटी बनाता हूँ, एक मैं बना चुका, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे खाने का टाइम हो गया है। जब खाने का टाइम हो जाए तो आपको पता है बंदे के साथ क्या होता है, तो दिल करता है खा ले, और खाना अपने मर्जी का बनाओ, मौज का बनाओ, तो आदमी पूरी तरह खाने की तरफ दौड़ता है। तो थोड़े से आपकी मेहनत सीखने के बाद आप इसको अपने मर्जी के खाने खा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी टेक्निक, एक दफ़ा हाथ सेट हो जाएगा चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो आप अपनी मर्जी
खा सकते हैं। मैं किनारे सही कर रहा हूँ, गोल कर रहा हूँ, वरना फिर ये रोटी गल चुकी। जब एक तरफ सही हो जाएगी हम इसको फिर पलटेंगे। इसका जो शेप राउंड होना जो है वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हमने तो तोड़ के खाना होता है, लेकिन अगर राउंड बन जाए जिस तरह हमारी खौतिन बनाती है रोटियाँ तो बहुत बेहतर है। अभी क्योंकि ये एक साइड है, जब पलटेंगे तो पता चलेगा इसकी इसका शेप कितना अच्छा है या बुरा है। मैं पलटूंगा तो आपको दिखा। कोने में आइए, जब एक तरफ हो जाए तो आप चाहे तो मेरी तरह, चाहे तो आप अपने कबगीर के साथ उसको पलट दें। इस तरह बाकी है, सर्व करूँगा उसके बाद बताऊँगा। माशाल्लाह से ज़बरदस्त पराठा बना है। एक मैं इससे पहले बना चुका हूँ, थोड़ा छोटा बनाया था, ये बड़ा बन गया है तकरीब जल्दी। तो आपकी मर्ज़ी पे, चाहे छोटे बनाएं, चाहे बड़े बनाएं, चाहे टिकिया बनाएं, टिकिया टाइप के भी बना सकते हैं छोटे छोटे। माशाल्लाह ये साइड बाकी होने के बाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फुटबॉल मैच की सीरीज चल रही, फुटबॉल ये मैच, ये आपका जो है ARY ये प्यार है। और मैं जो ने मैंने बनाया है वो जौ की रोटी है, ये जौ की रोटी है जनाब। और ये सैलेड है, सैलेड बांग्लादेशी सैलेड कहते हैं, जिसमें प्याज होती है, टमाटर होते हैं, और जनाब इस पे डाला जाता है तेल और लाल मिर्चें। साथ में आपके पास किसी किस्म के पत्ते हों, पुदीने के पत्ते मैं डाल रहा हूँ ये, और नींबू निचोड़ा जाएगा, नमक, ये चीज़ें होती हैं। इसको बांग्लादेशी मसालात कहते हैं, मुझे बहुत पसंद था। मेरे PI में एक ज़माने में बांग्लादेशी होते थे, बंगाली होते थे, वो मुझे दावत देते थे ज़बरदस्त। और हम इस पे डाल सकते हैं हरी मिर्चें, तो हरी मिर्चें मेरी रखी हुई हैं। ये जो है हरी मिर्चों के साथ जो रखा हुआ है, ये हमारे चिकन के कबाब हैं, चिकन के सीख कबाब टाइप के, चिकन के कबाब हैं, ज़बरदस्त है, बहुत टेस्टी है। और जनाब अली ये है मेरा अचार घर का, और जो मेरी कज़न ने बनाया है, घर पे बनाया है, और घरेलू अचार हम इस्तेमाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो है। और ये है कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। तो इन के साथ जौ की रोटी के साथ कुछ भी, ये इसलिए चीज़ें लवाजमात इसलिए रखी कि आपको पता है जौ की रोटी के साथ हर चीज़ खाई जा सकती है। ज़बरदस्त लोग जौ की रोटी बनती है, ताकतवर है, ताकत के लिहाज से बहुत अच्छी है। और मैं जनाब इसको कबाब के साथ स्टार्ट लेता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आपको मैं बताता हूँ खा के क्या मज़ा है। इसके साथ थोड़ा सा सैलेड भी डाला जा सकता है, खाया जा सकता है। मुझे तो ये चीज़ें पसंद है तो मैं बहुत लेता हूँ। तो ये मैंने लिया है, निवाला बनाया है, और दुआ क्या करें, और सब्सक्राइब और लाइक करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे रिस्कों में बरकत देगा, और खाने में बड़ा मज़ेदार है। आप भी बनाएं, खाएं, और मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना है। उसमें आपका कुछ नहीं लगता है, उंगली की टिप से आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। रोटी के बारे में मैंने डिटेल से डाल दी है वीडियो, इसकी रेसिपी की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आप भी खाएं जौ की रोटी, आप भी खाएं। इसकी चैप्टर जो है जौ की रोटी के बारे में रसूल पाक ने क्या फरमाया, मेरे पेज पे आप जाके पढ़ सकते हैं। और दुआ में याद रखें, शुक्रिया जनाब। बहुत मज़ेदार, मैं खा रहा हूँ जनाब, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आ गया, ज़िंदगी का मज़ा, जीने का मज़ा। Ya manillah.